नाश्ता। अगर आपको भूख लग रही है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप झटपट अंडे और ब्रेड का नाश्ता बना सकते हैं। ये हमने लिए हैं 3 एग और ये हमारे हैं मसाले, नमक, ये 1 पिंच काली मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर और लाल मिर्च, और ये है हमारी ब्रेड की स्लाइसेस। तो आइए अब हम अपने अंडे को तोड़ते हैं। ये हमने अंडों को तोड़ लिया, अब हम इसमें सारे मसाले मिक्स कर देंगे। अब मिक्स करने के बाद ये हम मिक्सर से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करेंगे जब तक ये सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स नहीं हो जाते। ये हम इसको मिक्स करते रहेंगे और जब ये हमारे अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तब हम अपनी ब्रेड के स्लाइसेस काटेंगे। तो देखिए हमारे ये एग बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम अपने ब्रेड के स्लाइसेस को काट लेते हैं बीच में से। ये हमने 4 ब्रेड ली थी और हमने इसके 4 टुकड़े कर लिए। ये देखिए अब हम तवा रखते हैं गैस पर और हम इसे बनाना शुरू करते हैं। जब तक हमारा तवा गर्म हो रहा है इसमें हम हरा धनिया पत्ती थोड़ी सी ऐड कर देंगे। ये हमने लिया अपना रिफाइंड ऑयल और अब हम इससे इसको बनाएंगे। हम तवे पे रिफाइंड ऑयल हमने डाला है। गैस को कर देंगे स्लो, ब्रेड को करेंगे हम और अब हम इसको अपने तवे पे डालेंगे। जब तक ये दोनों साइड से अच्छे से नहीं सिकेगा हम इसे पलटेंगे नहीं। पहले ये एक साइड से अच्छे से बनेगा तब हम इसको अगली साइड पलट देंगे। ये देखिए एक साइड से ये बन गया है, अब हम इसको पलटते हैं। इसको हम क्रिस्पी होने तक तवे पे ही रखेंगे। अब इसको हम अपनी प्लेट्स में निकाल लेते हैं। बैच भी बना लेंगे। ये बहुत ही इजी और झटपट वाली रेसिपी है। अगर आपको बहुत तेज की भूख लग रही है तो आप इसको झटपट बना के खा सकते हैं। हम अपना सेकंड राउंड बना रहे हैं ब्रेड का। ये देखिए ये हमारे फ्राई हो देखिए हमारे ब्रेड और अंडे का बहुत जल्दी नाश्ता बन गया है और ये बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। आप भी इसको ट्राई करिए, आपको भी ये बहुत पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।